हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MZ टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पोको M3 का अनबॉक्सिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये रहा हमारा पोको M3। तो चलिए दोस्तों, इसे यहाँ पर अनबॉक्स कर लेते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसका मेन बॉक्स जो है वो ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, अंदर हमें एक सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों, खोलने के साथ में हमें पोको लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मैं इसे भी खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सिम इजेक्टर टूल है, और दोस्तों यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस है, और दोस्तों यहाँ पर है हमारा एक सिलिकॉन केस जो हमें कंपनी देती है पोको M3 के लिए। तो दोस्तों, अभी इसे साइड में रखते हैं और दूसरे बॉक्स कॉन्टेंट्स देख लेते हैं हम। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सीधा फोन दिखने को मिलता है एक सेक्शन को हटाने के बाद। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर इसे भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने फोन को निकाल लिया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि येलो कलर में काफी बढ़िया लग रहा है हमारा फोन, और काफी यूनिक लग रहा है। और दोस्तों, ये डिजाइन भी हमारे फोन को काफी यूनिक बनाता है, येलो और दोस्तों यहाँ पर जो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है वो काफी बढ़िया लग रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा फोन स्टार्ट हो रहा है, तो हम वहां तक दूसरे बॉक्स कॉन्टेंट्स देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक एडेप्टर। तो दोस्तों, 18 वॉट तक का फास्ट चार्जिंग दे सकता है हमारे फोन को। और दोस्तों, यहाँ पर टाइप सी केबल देखने को हमें मिल जाता है बॉक्स के अंदर में ही। और दोस्तों, कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, बस इतनी ही चीजें हैं हमारे पास में फोन के अंदर बॉक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे फोन का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस फोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम स्क्रीन से शुरुआत करते हैं। तो 6.53 इंच की फुल HD+ वाली दोस्तों यहाँ पर हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है। और दोस्तों, साथ में हमें Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। तो दोस्तों, काफी ठीक ठीक प्रोटेक्शन भी हमें इस फोन की स्क्रीन पे मिल जाता है कंपनी द्वारा। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें 48+2+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, यानी कि दोस्तों ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों, अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बीच में ही नॉच में। और दोस्तों, यहाँ पर ये है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो दोस्तों, दोनों ही कैमरा के रिजल्ट काफी बढ़िया है। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी लाइफ के बारे में, तो दोस्तों काफी लॉन्ग लास्टिंग 6000 mAh की बैटरी लाइफ देखने को दोस्तों यहाँ पर हमें मिल जाती है। और दोस्तों, साथ में हमें बॉक्स में 18 वॉट का चार्जर भी देखने को मिल जाता है, जो कि हमारे फोन को काफी फास्ट चार्ज कर देगा। और दोस्तों, रिवर्स चार्ज का भी हमारे फोन में ऑप्शन अवेलेबल है। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर के बारे में, जो कि सभी फोन का मेन फीचर है, वो है प्रोसेसर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर देखने को मिलता है। और दोस्तों, Android 10 देखने को मिलता है, MIUI 12 देखने को मिलता है हमें इस फोन में। तो दोस्तों, काफी बढ़िया बना देते हैं ये सब फीचर्स हमारे इस फोन को, पोको M3 को। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस फोन के ओवरव्यू और डिजाइन्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम पीछे की ओर देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमें पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलती है। और दोस्तों, एक स्पेसिफिक स्पेस में हमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें पोको लिखा हुआ देखने को मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिजाइन में तो काफी बढ़िया लग रहा है हमारा फोन, और कलर में भी काफी यूनिक लग रहा है दोस्तों यहाँ पर हमारा फोन। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राइट साइड की, तो दोस्तों यहाँ पर हमें पावर बटन और दोस्तों वॉल्यूम कीज देखने को मिलती है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर नीचे की ओर देखते हैं, तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और माइक देखने को मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो एक सिम का ट्रे देखने को मिलती है। और दोस्तों, ऊपर की ओर हमें 3.5 mm हेडफोन जैक वगैरह सब देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर नीचे नहीं, ऊपर की ओर हमें 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसे खोल कर देखा, तो दोस्तों यहाँ पर ये डेडिकेटेड सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलती है, यानी कि दोस्तों हम 2 सिम कार्ड और साथ में दोस्तों एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, और इस फोन की स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं दोस्तों काफी हद तक। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस फोन के फेस अनलॉक और दोस्तों फिंगरप्रिंट की, तो दोस्तों जो मैं सभी फोन में सेट करता हूं और आपको टेस्ट कर बताता हूं, तो दोस्तों मैंने इसमें भी सेट करा है और आपको टेस्ट करके यहां पर दोस्तों बताता हूं। तो दोस्तों, पहले मैं फिंगरप्रिंट आपको बता देता हूं यहां पर।
तो दोस्तों आपने देखा यहां पर फिंगरप्रिंट, तो दोस्तों इसका भी काफी फास्ट रिजल्ट है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं अब इस फोन के फेस लॉक के बारे में, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूं दोस्तों यहां पर। तो दोस्तों अगर हम फेस लॉक के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों दूसरे फोन्स के कंपेयर में ये थोड़ा सा दोस्तों स्लो है, और दोस्तों फिंगरप्रिंट तो काफी बढ़िया है इसका भी, और दोस्तों दूसरे फोन की तरह काफी एक्टिव और काफी एक्यूरेट है। सिर्फ दोस्तों फेस लॉक में थोड़ा सा स्लो स्लो देखने को मिलता है हमें, और दोस्तों ओवरऑल काफी बढ़िया फोन है ये हमारा पोको M3।